शोर मत करो साहब, माइनिंग विभाग सो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पिछले करीब 6 महीने से इंद्री की यमुना नदी में लगातार माइनिंग हो रही है, लेकिन माइनिंग विभाग है कि अपनी नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसके चलते स्थानीय लोगों में माइनिंग विभाग के प्रति रोष पनपता ही जा रहा है। बता दें कि प्रशासन ने अवैध माइनिंग पर रोक लगाई हुई है, बावजूद इसके यमुना नदी से सटे गांव चंद्र में रेत माफियाओं द्वारा यमुना नदी से पिछले 6 महीनों से दिन रात माइनिंग की जा रही है। रेत माफियाओं ने करीब 100 एकड़ यमुना नदी का सीना छन्नी कर दिया है, जहां से प्रतिदिन करीब 100 ट्रॉली ट्रैक्टर रेत से भरे हुए निकल रहे हैं, जिसकी स्थानीय प्रशासन को कोई खबर ही नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 6 महीने से यमुना नदी में लगातार माइनिंग हो रही है। आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी आते तो हैं, मगर रेत माफियाओं से ही हजूरी करवाकर चले जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही अवैध माइनिंग बंद नहीं की गई तो वे इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार कुछ समय पूर्व इंद्री थाना में रेत तस्करों के खिलाफ माइनिंग एक्ट के साथ साथ पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट और रेत चोरी करने के आरोप में भी मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसके कारण क्षेत्र में अवैध माइनिंग करने वाले रेत माफियाओं ने अवैध रेत खनन बिल्कुल बंद कर दिया था। इसलिए प्रशासन को रेत माफियाओं के खिलाफ रेत चोरी करने के आरोप में भी मुकदमे दर्ज करने चाहिए, तभी रेत का अवैध कारोबार बंद हो सकता है। संजय कुमार, गढ़ी बीरबल से। यहाँ से अवैध खनन बहुत बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, दिन रात 30-40-50 ट्रैली कम से कम डेली निकल जाती है। उसकी वजह से जो है ना, खेतों का कटाव हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिम्मेदारों का, छोटे छोटे जिम्मेदार हैं उनका बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। प्रशासन से कई बार मांग की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दिन रात कोई रोक टोक नहीं है, बेधड़क चल रहे हैं, खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह से जो नाला है हमारा नंदी भुजी वाली सड़क पर, उस मार्केट कमेटी की तरफ से पीछे 30-35 लाख रुपया लगा के बनाया गया था, वो सारा बैठ चुका है। प्रशासन की मिली भगत सही हो रहा होगा, जब प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना कोई देख रहा है। शिकायत तो करी है ग्रामीणों ने एक दो बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी। तो में अवैध खनन चल रहा है जी, बहुत जोर से 15-20 ट्राली चलती है रोज, और जी जो मतलब अवैध है, और वहाँ से हमारा भी नुकसान है, जिनके खेत है, और सरकार का भी चुनाव लग रहा है जी, और सरकार प्रशासन में कहीं फिर आवाज ठाली कोई सुनाई नहीं है। जो मतलब सड़कें भी टूट गई हैं अवैध खनन से, और खेत भी गिरने का खतरा है। तो प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, प्रशासन इसकी तरफ हाँ, प्रशासन की मिली भगत है। कब से चल रहा है ये पता? ये तो कई महीनों से चल रहा है जी। तो कोई रोकथाम नहीं हुई? ना कोई रोकथाम नहीं हुई जी। तो कैसे, दिन में भी खनन होता है? आज दिन व रात नहीं चली रहे हैं, तो ना कोई रोक दे तो ही नहीं जी। तो क्या मांग है? मांग तो यही है जी, प्रशासन से भी सुनाई करी जाए इसकी। तो कितने ट्रालियां निकाल लेते हैं? 20-30 ट्राली लिख जाए जी रोज। श्री अजमेर सिंह, ग्राम पंचायत गढ़ी बीरबल। समस्या यह है जी सरकार से भी कि हमारे यहाँ अवैध खनन हो रहा है काफी, और काफी दिन से चल रहा है। सरकार ने पता नहीं इसकी भनक लगी ना लगी, पहले भी कई बार इसकी समस्या दरखास्त दे सके दी जी इसकी। बाकी जो छोटे छोटे जिम्मेदार हैं, जमीन तकरीबन जितने भी काम यहाँ लगते हैं गढ़ी बीरबल के पास, सबकी जमीन उधर ही पड़ती है। छोटे दो दो चार चार एकड़ की जमीन के जिम्मेदार हैं जी। सारा इतना नीचा खोद दिया जी, काफी काफी नीचा खोद दिया जी, और रात दिन चल रही ट्रैलियाँ, सारी सड़क जितनी भी आसपास की सब डैमेज कर दी, और ये हमारी फिरनी पड़ती है इधर नंदियाली सड़क, नंदियाली सड़क पर वो तो बिल्कुल ही बिठा दी जी सरकार ने, बनाई थी 28 लाख रुपये से, वो तो बिल्कुल ही खंडम कर दी जमीन की। उसमें रात को सारी रात को ट्रैलियाँ चलती है जी, इतना अवैध खनन रहा जी, कम से कम 30-40-50 ट्रैली डेली चलती है, दिन में भी चलती है रात को भी चलती है। तो सरकार से यही मांग है जी कि इसके बारे में कुछ कदम उठाए जाए, कुछ समस्या का हल किया जाए। बहुत ही बड़ी समस्या है जी, इसको छुट्टी नहीं है। छोटे छोटे जिम्मेदार हैं, उनका इतना नुकसान है जी, खाने के दाने भी उनके लाले पड़ जाएंगे। ग्रामीणों ने तो जी रोकने का प्रयास किया भी एक दो बार, फिर बारिश बेरी फिर कौन करा जी, ऐसी है हानि करे, एक दो बार प्रयास तो करे रोकने का, बाकी कोई रुकता नहीं है। प्रशासन से मांग है हमारी तो, केस प्रशासन आकर खुद इसको देखे और इसकी समस्या का समाधान करे।